Hey guys, what's up? Good evening and welcome back to another video of my channel. तो I hope आप लोग सभी अच्छे होंगे and even I'm doing fine. और आज मेरा तबीयत भी ठीक ठाक है. ठीक ठाक नहीं, मैं अच्छी हूँ बिकॉज कल मैंने दवाई ववाई ले लिया था एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड. और ये वाला वही स्वेटर है जो मैंने यू नो वहाँ से डिज्नी लैंड या डिज्नी वर्ल्ड जो भी है ना वहाँ से लिया था एंड इट्स नाइस. जिसने भी देखा दे से अच्छा स्वेटर है, बहुत ही अच्छा स्वेटर है. एंड गाइस आप लोगों को लग रहा होगा मैं इतना ज़्यादा मेकअप करके कहाँ जा रही हूँ विथ ओल्ड ड्रेस. तो ड्रेस भी मैं चेंज करूँगी. मैं बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं विकी के ससुराल मतलब अन्नू के घर पे बिकॉज आज वहाँ पे ओ माई गॉड, मुझे बोलते हुए भी आप लोगों को लगेगा यार आप लोग कितना मटन खाते हो, वहाँ पे बलि पड़ा है तो वही उन्होंने बुलाया है. मना कैसे कर सकते यार, देखो रिश्तेदार है ना यार, रिश्तेदारों को मना नहीं किया जाता. आई नो आप लोग कमेंट करोगे आप लोग बलि के नाम पे पता नहीं कितना मटन खाते हो, बट ऐसा नहीं है गाइस. देखो जो भी बुलाते हैं हम लोग चले जाते हैं, बेसिकली ऐसा होता है, हम लोग चले जाते हैं. उन लोगों ने भी इतना प्यार से बुलाया तो जाना तो चाहिए ना. एंड ड्रेस मैंने इसलिए चेंज नहीं किया है, मैंने यहाँ पर ले लिया है बैग में सॉरी जो भी वॉट एवर इट इज़ ले लिया है मैंने ड्रेस. पहले मैं मॉम को दिखाऊंगी, दो तीन ड्रेस मैंने ले लिया है. मम्मी जो सेलेक्ट करेगी वही मैं पहनने वाली हूँ बिकॉज अगर मैं कुछ भी पहन लूँ और मम्मी को वो अच्छा नहीं लगे तो मुझे फिर यहाँ पे आना होगा, फिर से चेंज करना होगा बिकॉज मम्मी का ऐसा ही रहता है. बिना मम्मी के परमिशन के यू नो मम्मी के बिना पूछे या फिर बिना मम्मी के परमिशन के अगर मैं अच्छा ड्रेस नहीं पहनूं या जो भी है मम्मी को अगर वो पसंद नहीं आए तो फटाक से हमको चेंज करना पड़ जाता है. तो इसलिए मैंने सोचा इट्स बेटर मैं दो तीन ड्रेस लेके जा रही हूँ, वहाँ पे मैं ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी. और इधर अभी है जो कि खा रहा है सोन पापड़ी. मैं इसको बोल रही हूँ जल्दी करो बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और हमें जाना थोड़ा दूर है, पता नहीं कितना दूर बिकॉज एक्चुअली वो अनु का मासी का घर है, नॉट अनु का मम्मी का घर, अनु का मासी का घर. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम. और रास्ता वगैरह भी हम लोगों ने देखा नहीं, वैसे तो गूगल में डालेंगे वो आ ही जाएगा, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा. शाम भी होने को आई है और चोको छोटू मम्मी ये तीनों नहीं जा रहे हैं और हम लोग सबको जा रहे हैं, जैसे पीकू अनु बिकी हम पूजा सबको अभी हम लोग सबको जा रहे हैं. तो चलिएगा इस वीडियो में बने रहो और अब मैं मिलती हूँ आपसे सीधे मम्मी के घर पर तैयार होने के बाद. तो गाइस फाइनली हो चुकी हूँ रेडी मैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड ऑलरेडी अंधेरा भी हो चुका है, शाम भी हो चुका है और इधर है अभी जिसको कुछ भी चेंजेस वगैरह नहीं करना था. ही सेड आई एम फाइन विद दिस, वेरी सस्पेक्ट, टेक इट, जल्दी से ले लो ना तुम्हारा सर दर्द देने लगेगा, ले लो. तो चलिए गाइस चलते हैं एंड दिस इज माई आउटफिट. सॉरी अगर मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकती बिकॉज आई एम द ओनली वन टू होल्ड माई कैमरा, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड ज़्यादा मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं है, आई एम वेरी सिंपल बिकॉज ऐसे यार मेकअप वेकअप ज़्यादा करने का मन नहीं हो रहा था. एंड हियर इज अनु. अनु बहुत प्यारी लग रही है, ऑब्वियसली अपनी मासी से मिलने जा रही है ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेकअप वेकअप करके बहुत प्यारी लग रही है और मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ. तो चलिए गाइस चलते हैं एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब हम लोग जा रहे हैं, लेट्स सी कैसा होता नहीं होता, ऑब्वियसली अच्छा ही होगा. सो चलो चलते हैं गाइस. सो गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जाने के लिए और पीकू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है गाने पे, सॉन्ग्स पे, क्योंकि विक्की कोई कोई भोजपुरी गाना लगा रहा है और पीकू बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लिया. मिला दूजू भी इंजॉय कर ला ना दूजू. हेलो, सो वी आर ऑल सिटिंग और थोड़ी देर बाद हम लोग पहुँच जाएंगे. वैसे अगर आपको डांस देखना है, विक्की एक सॉन्ग प्ले करो ना पीकू का डांस देखना. हाय, हाय. आज मैंने पीकू को हाय बोले नहीं बोला ना इसलिए. हाय, हेलो, तुमको आज बोल रही है ये, तुम पीछे मत देखो यार, देखो 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 पीकू का डांस देखो. वेलकम बैक टू माई चैनल. ज्यादा मैं डालूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा. अब हम लोग एंजॉय करते हैं और आप लोग थोड़ी देर बाद मिलेंगे. लेट दीदी स्पीक, उसके बाद मैं बोलूंगी. चलो इट्स हर टाइम नाउ, सो लेट मी जस्ट ऑफ द कैमरा. बाय, कैन आई स्पीक नाउ? सो जस्ट वी हैव स्टॉप्ड हेयर टू टेक सम स्वीट्स बिकॉज कहीं भी जाना है तो स्वीट्स लेके जाना है ना, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं. सो गाइज फाइनली वी हैव रीच्ड हेयर एंड हम लोग अभी बस बैठे हुए हैं. थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है व्लॉग बनाने में, बट कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे कोई है नहीं, बस दो बच्चे हैं, इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा आप लोगों को अपडेट दे दूँ कि हम लोग पहुँच गए हैं. इससे आगे अगर मैं यहाँ पे नहीं कंटिन्यू कर पाई तो आप ये सोच लेना दैट आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल व्लॉगिंग हेयर बिकॉज ये मतलब हम लोग का कोई रिलेशन में नहीं है ना, इट इज़
इसीलिए अब अनु के घर जाते हैं, देन इट्स फाइन, हम लोग कंफर्टेबल है वहाँ पे, बिकॉज वी नो एवरीवन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग कंफर्टेबल है, वहाँ पे इजीली व्लॉग बना सकते हैं. बट यू नो ना, कहीं और जाके व्लॉग बनाना इज़ लाइक ओके, बट मैं ट्राई करूँगी, बट आई कैन नॉट प्रॉमिस. तो अगर मैं आपसे सीधे देवघर में मिलूँ तो प्लीज़ डोंट माइंड फॉर दैट, बिकॉज समझ जाना ओके. और इधर डुगू अपना शैतानी में लग गया है, इधर पूजा भी बहुत अच्छा बन के बैठ चुकी है, सीधा साधा बच्चा हम लोग बस सीधा साधा बच्चा बन के बैठ गए हैं. यस, वेटिंग टू ईट एंड गो बैक. रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, हम लोगों ने बहुत बार पूछ पूछ के यू नो, बिकॉज बहुत गली गुली था, तो गूगल में भी वो शो नहीं कर रहा था, एंड समटाइम्स इट्स बैड टू टेक गूगल्स डिसीजन. इसीलिए वी थॉट क्या चलो ऑरली हम लोग किसी से पूछ लेते हैं, एंड देन दैट्स अ गुड डिसीजन, एंड या फाइनली वी हैव रीच्ड हियर. हेलो बेबी, He's confused. What am I doing? So finally done with our dinner. The dinner was damn tasty. वहाँ पर मैं vlog नहीं कर पाई, it's all because बहुत सारा rush था ना, but the dinner was out of the level. मतलब it was very tasty. बहुत ज़्यादा tasty था. अब चलो चलते हैं घर पर और आपसे मिलते हैं सीधे देवघर में जाके. सो गाइज, फाइनली वी हैव रीच्ड और हमने अपना कार भी पार्क कर दिया है मम्मी के घर पे. इट्स मम्मीज कार ओनली. और अभी हम लोग वॉक से जा रहे हैं बिकॉज मम्मा ने गाड़ी बाइक हम लोगों का अंदर रखवा दिया था शॉप पे. सो इट्स गुड राइट सम टाइम्स टू वॉक ऑल्सो. वैसे भी मम्मी और हम लोगों का घर का डिस्टेंस इज जस्ट 2 to 3 minutes बाई वॉक. चलो यार, मैं आपसे घर पर मिलती हूँ, इट्स वेरी डार्क. ये देखो गाइस, घर आने के बाद चोको का रिएक्शन. चोको इज लाइक मेरे को क्यों नहीं लेके गया, तुम लोग मेरे को क्यों नहीं ला. चोको का रिएक्शन, हाय राम चोको चोको. ओ माय गॉड, चोको का एक्साइटमेंट लेवल, दिस इज द बेस्ट थिंग यार. यू नो ह्यूमन बीइंग ऐसा कभी नहीं करेंगे, बट लुक एट देम, दे आर सो ऑसम. ही इज ऑसम यार. चलो चोको, आप गेट खोलने दो बेटा, गेट खोलने दो. हो गया चोको. कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड. चलो गेट खोलो. कंप्लीटली टायर्ड यार, फीलिंग देम टायर्ड. और मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, एंड देन इट्स टाइम टू स्लीप. काफ़ी अच्छा लगा यार जाके. एंड गाइस, पता है कि आजकल हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना घूमने के लिए, हम लोगों को ये लगा रहता है यार चलो जल्दी घर जाना है, बिकॉज यू नो कोई तो हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होगा. एंड दैट्स चोको का आपने रिएक्शन देखा ही होगा ना, पता है वो तो उसका बहुत ही ज़्यादा कम था. मैंने कैमरा थोड़ी देर बाद ऑन किया, उससे पहले वो इतना ज़्यादा उछल रहा था, इतना ज़्यादा कूद रहा था, उसको बहुत दूर से ही पता चल जाता. ऑब्वियसली इन लोगों का स्मेलिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम लोग यू नो तो बहुत दूर में है तब से उसको पता चल जाता है दैट वी आर कमिंग. बहुत ही अच्छा फील होता है यार, कोई तो है जो बेसब्री से हमारा इंतज़ार कर रहा है, और बहुत ही अच्छा लगता है आके चोको से फिर मिलो. और अभी वो मस्त बेड पे सोया है वो, और अभी मस्त दोनों टीवी देख रहा है. आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम, इसलिए मैं उन लोगों को डिस्टर्ब भी नहीं करती हूँ. वैसे तो वो रात भर भी बेड पे ही सोता है, एंड ही इज़ लाइक जस्ट ऑसम यार, रियली इन लव विद चोको. और पता है क्या, जिसके घर में पेट्स होंगे उन लोगों को तो पता ही होगा यार, दैट दे आर सो you know they are really very nice and they are so faithful यार. बहुत ही अच्छा लगता है, thank god that हमने चोको को घर पे लाया, feeling really nice and really lucky. चलो गाइस, इसी नोट पे करते हैं वीडियो को एंड. एंड यस गाइज, अगर आप लोग किसी भी स्ट्रीट डॉग या किसी को भी देख रहे हो ना, प्लीज़ गाइज, अगर आप लोग कुछ दे नहीं सकते हो तो उसे मारो मत यार, बिकॉज मैंने बहुत देखा यार, बहुत आदमी को देखा. इनफैक्ट पता है क्या, कोई कारवार भी चलाता है ना यार, एंड दे जस्ट डैश, मतलब वो लोग चोट वोट लगा के चले जाते हैं यार डॉग्स वगैरह को. आई फील रियली बैड. अगर तुमको कुछ करना नहीं है, कुछ उसको देना नहीं है, यू नो किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कुछ बिगाड़ो भी मत यार. आई रियली फील बैड एंड आई फील सो सैड. प्लीज़ ऐसा तो मत किया करो गाइज, अगर आप कर सकते हो कुछ तो हेल्प करो. यू नो लास्ट ईयर भी विंटर के टाइम में यहाँ पे मेरे घर के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पपीज थे, यू नो और अभी कितनों को तो जा के ये क्या बोलते हैं
जूट वाला वो होता है ना यार, जूट वाला बैग, वो सब जा जाके ढक ढक के एक जगह में सुला देता था। बहुत दिन तक उसने ऐसा किया, बिस्किट ये वो हमेशा, बिकॉज हम लोग जब से चोको को रखे हैं ना, लिटरली यार वी आर इन लव विथ ऑल द डॉग्स, नॉट ओनली चोको, सब डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स हो या कुछ भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा पिटी फील होता है यार, नॉट ओनली डॉग्स, कैट्स ये वो जो भी हो यार, हम लोग कभी भी एटलीस्ट उन लोगों को हार्म नहीं करते अनटिल एंड अनलेस यू नो वो कुछ नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसा मत करो गाइज, एंड अगर कोई भी मिले तो उन लोगों का हेल्प करो, ठीक है ना। चलिए गाइज, बहुत ज़्यादा डायलॉग में दे दी हूँ, आई एम श्योर आप लोग मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी होंगे, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा या कुछ भी हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, गुड नाइट, आपका दिन शुभ हो, बाय गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलना यार, और देख लेना वीडियोस, अच्छा लगता है गाइस, देख लेना यार प्लीज़।